नहीं तो मैं सारी जिहड़ी ढिड़क नाल है ना वो मैं लवा छड़नी दूसरे दे इजाज़त देना क्योंकि मिलर मारे अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल है साढ़े देखने वाले तमाम भैन भाई अल्लाह ताला दे फजल ते करम नसीब बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करना कि साढ़े देखने तमाम भैन भाई जेडे मुल्क च रहन जिथे रहन हमेशा खुश रहन बाद हमेशा हसदे ते मुस्कुराते रहन साड़ी ड्रेसां दवाने के नाल सन रखना भी दोवां याद ते जल्दी जल्दी आ के फिर साढ़े चैनल सबसक्राइब कर लो नाल वीडियो लाइक भी कर लो हो सके तो अगर अपने दोस्तों भैन भाइयों के वट्सएप से साड़ी वीडियो का लिंक शेयर भी कर दो। तो जिमें कि तुहानूं पता साढ़े घर के मोटर जी है खराब हो गई हुई हैगी वैसे नलका वगैरह तो असीं घर लवाया होया नहीं है इंशाल्लाह ताला हुण जिवें साडे नाल हो रही हैगी नलका लाजमी लवाना किधरों पैसे आए ना एक तो हम मोटर ठीक करवानी हैगी दो तीन दिन के उधरों घर के जो कपड़े वगैरह ने गए सारे धोवन वाले आएंगे दो दिन हो गए असीं नाते भी नहीं आ गए साढ़े जो कोई भी तो चाचू इजाज होर गए जाके उन्होंने को पूछा है कि अच्छी किधर जाना तो नहीं है उन्होंने कहा नहीं जाना है तो उन्होंने जाके हम कपड़े वगैरह भी धोवन लगे आ गए तो बाकी सारे जो ना भी लगे राती हाँ जी रात को ना मेरे ना बहुत बुरी हुई है कि यह सिर्फ जो नाता कोई नहीं आ गया बाकी पूरी फैमिली जावन लगे क्योंकि आयशा ने नाल जाना है अम्मी जान को इतने कपड़े धोपने नहीं है नाल भी दुआ देगी अम्मी जान ने दो लगे घर जिंदर जिंदर मार के चलने आएंगे पूरी फैमिली अपने आप ही साफ हो जाने कपड़े बाकी चलिए नूर नूर वेखो इन वाला खुराक चुट्टी खोती बाईजा कहना इस्तेमाल कर सकते जे कोई मोटर मसला बन जाए तो भी तुम नलका जो इस्तेमाल करना एक आप बाकी देर जो रहने के वाडी गुआढ़ी वह भी कर सकते इंशाल्लाह ताला नलका ही लवा लवेंगे करिए अगले काम तो घर से करवा लीए जिमें जिमें पैसे आते गए आहिस्ता आहिस्ता घर का काम जो करवाते जावे जेडे जेडे रहते हैं बाकी हूँ कुछ सारा समान और तो नहीं कोई कपड़े पै चली आप चलो दुकान तो लै लें आगे तो चलो आज मैं अपने मोटरसाइकिल ही नवाना है इन भी इन्हें बारिश तो बाद नवाया ही कोई नहीं है साफ कौन किया चलो ठीक है तुम दोनों बाद ओके हो गया आ जाओ फिर बैठो सी प्रीशा कपड़े चक के लिया रही है तो मैं कपड़े इन्ना ज्यादा तंग आया पे आ गया कि थले मैं सलवार पाई हुई उत्ते शर्ट पाई हुई है एह जी कोई ड्रेसिंग हो पी है अज कपड़े वगैरह धो पा हो फिर मैच करके ठीक तरह कपड़े पा ले करा हूँ थले सलवार हैगी उत्ते शर्ट पाई हुई अजीब जहा बंदा उंज भी लगता है चलो जी हूँ जी फिर चलना आगे जाके चाचू याद छड़ आना गया फिर अम्मी नूर से आयशा बाहर जाके लै लेना आ गया नूर ने तो छड़ते मैं खुले खुले बह के चले जावे उन्हें तो आटे आना है फिर उन्होंने आगे लै जाना घर में आ गया बाकी आयशा जी लाक वगैरा ला रही है घर न फिर चलने सारी चीजा जो कुंज के रख जाने मशीन वगैरा बहरे पई है अम्मी जान अंदर रख दो दुकान तो चलो की क्या इत पूरी फैमिली चाचू याद और आ गए आगे अम्मी जान जी ने इत चाचू याद और आ गए आगे पूरी फैमिली बाकी अम्मी जान जी ने आयशा इधर कपड़े धोन लगियां ने बाकी बच्चे जड़े ने हाले तक उधर ही बैठे ने बाद ना लवन गए चाचू जान ने मौज है कि कोल ना नलका भी लगे हुआ है अगर बिजली वगैरह वग जाए ना इतना कपड़े वगैरह धोने बर्तन वगैरह धोना धो धू लेंगे ने गे जे अगर बिजली हो फिर इतने अंदर कपड़े वगैरह धो लें सुकून ना बाकी माशाला चाचू जान का गार्डन दिन ब दिन खूबसूरत हों जा रहा है तो मैं सब तो ज़्यादा पसंद है हाले फुल ने गे सूरजमुखी के माशाला किन्ने प्यारे ने गे अज तो खिड़े भी काफ़ी खोते हैं जिस सैड तो सूरज का हो उस सैड तो नमू आता इस टाइम सूरज इधर है सेम उस सैड तो नमू है कोई एक अद्धा मुड़िया है लेकिन खिड़े हुए फुल ने गए देखो किन्ने प्यारे ने गे माशाल्लाह
हेलो वीरा चाचू जान ने लाया सीगा कल मैं कल आया सी ला रहे सीगे लेकिन किसे ले ना भेजने सीगे कोई ओ दवाई वगैरह बना के उन्दे च काट के उत्तो इन्होंने फड़े जे पाते ने गे ओ भी चल के दंद खाना आ गया बाकी बच्चे जेडे ने सारे इधर बैठे ने ओ भी चल के तानू दिखाना मौज मस्तियां हो रही है सारे सादियां नु खिला रहे ने ए सादिया की चीज बनी हुई तितली बनी है की चीज तितली है मक्खी बनी है मक्खी शादी कुछ है तो तेन आप ना लाऊंगा ऐसा दिया चलो चलना उधर जा के दंद खाना दवाई केड़ी भेजन लगे ने चाचू जान इतने किधर नजदीक ही भेजनी हैगी उतो फिर अगे बाहर किसी ने अगे भेजनी है इतों स्पैशल दवाई बन के बहरले मुल्क जानी है तो यह सारिया चीज़ा पैक हो पे गया चाचू जी बच्चे मांस ही तुम पा लेने मांस के टोटे ना बेच नहीं गए फ्रीज करके सारी चीज़ा रखी हुई नहीं गए तो अज बेच देनी है नहीं गया किसी ने ते माशाल्लाह जी अम्मी जान ने तकरीबन इतने कपड़े धो लेने गए ते हाली तक इस ज्यादा पै नहीं गए ए मैंने डर है अम्मी जान अज तुम कुछ हो ना जाए नाल अम्मी जान दी आयशा भी हेल्प करा रही मिल के तो रहे गए लेकिन यह भी अम्मी जान ब्रश मार रही ने ना जोर बहुत ज्यादा लग रहे ने तो इन्होंने ना के हाले कपड़े पाने उतो तक सुक जावे मैं भी इतों को कपड़े पा लवेंगे ना लिया उतना तो सारे सुक जाने ने गर्मी बहुत ज्यादा चल के बैठ जाना इतना कि तकरीबन अम्मी जान ने कपड़े जो सारे धो लेने गए कुछ हाले सुकावन वाले पैन कुछ सुकने पाए हुए ने गे तो हूँ फिर हसनैन साहब जड़े ने ना रहे गए वह ना लेंदे ने गे तो फिर अम्मी जान मैं आयशा तो असनैन जो बाद चले जावे पहले जाके इन्होंने छाड़िया नहीं क्योंकि नहा नू के फ्रैश हो गए घर जाके छाड़िया नहा के घर पिछों कल आएगा वह ना आए कोई घरों कोई चीज़ चाक के लै जाए चल उठी नूर चलो हूँ जी फिर चलने आ गए असनैन जोड़ा इन्हें ना लिया मैं तू ही आ जा नाल ही तो चल के इन्होंने छाड़िया ना आ गया तो प्रीशा ने इतने घर छाड़ता है बाकी हूँ चलना आ गया चल तो मैं हूँ जाके ना लवा तो बाद चाहे आ गए मोटरसाइकिल दवाना आ गया ये भी अटके दवाना है टाइम लगा था तो माशाल्लाह जी अज अम्मी जान ने काफ़ी काम किया उधर आप ही ना लेने गया हूँ रह गया है गया बस मैं भी हूँ ना ला आ गया सुकून कपड़े सारे मैं धो लेने बच्चों नवा के असन के नाल कले ने मैं उन्होंने घर छड़ के आ क्योंकि पिछू घर भी कला गया तो परेशानी बनी से नाले पाई जा अगर उन्होंने तंग की तिर से इस वास्ते उन्होंने मैं घर गाल दिता गया तो कपड़े जो सारे सुपने पाए थे असन और नवे लगे ना इन असन ने नाले पे थोड़े जी निचड़े असर और इन्होंने गटोरी बन के असन लाई सैने तो अपन चलो ओके हो गया कपड़े अम्मी जान ने कुछ इतने सुकने पाते ने क्योंकि तारे बरीकियां सी कपड़े कपड़े नोटिस वगैरह कोई नहीं आया इस महीने बिल ना तारिया मीटर पटाई जाएगा इस वेरी तो नहीं पटींदा उतले महीने उन्होंने पट लेना मीटर अगर बिल ना तारिया ना इकट्ठा दो महीने तार बाकी माशाल्लाह मैनू हुण नजर आया कदों दा फिर ना किन्ना प्यारा फुल होया पोता चाची जान दे गार्डन माशाल्लाह जान अल्लाह पाक ने कितनी प्यारी प्यारी चीजा बनाई ने धुप लगी है खेड रहा है वह भी खेड जाएगा जो थले मुरझाया खोता है
ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਿਤਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉੜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਸ਼ਾਂ ਛੱਡਣ ਜਾਵਣ ਲੱਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਸਾਰੇ ਲਾਹਵਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਟਿਊਬਵੈਲ 'ਤੇ ਨਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੋਪ ਦੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਹੁਣ, ਬਾਕੀ ਸੁਕਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆਉਣੇ, ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਾਵਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿੱਲੇ ਨੇਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਲਦੀ ਹੈਗੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੁੱਕ ਜਾਵਣਗੇ ਆਪੇ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਜੀ ਨਹਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਘਰ, ਅਤੇ ਚਾਚੂ ਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ, ਚਾਚੂ ਜਾਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਵਣ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਚੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਅੱਜ ਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਅਤੇ ਵੇਖਣੇ ਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਪਿਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਉੱਥੇ ਚਾਚੂ ਜਾਨ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਦੇ ਗਲੇ ਘੱਟ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਕੰਮਲ। ਇਹ ਉਹ ਚਾਚੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਲਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਜੀ ਗਲੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂਸ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੀਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੋਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟਦੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਲਓ। ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਗਲੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਚੂ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲਓ। ਨਾਨੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਣਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਜ਼ਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਤਨਾ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਗਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਾਚੂ ਜਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਣੀ ਖੋਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਦੀ ਮਰਦ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਚਾਚੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਹਣਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਲਾਜ ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੀਮਾ ਸਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੇਰ ਤਾਂ ਥੱਲੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਏ ਨੇਗੇ, ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਦੋਤੋ ਇੱਕ ਸੂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੁਬਾਹ ਦੋ ਲਵਾਂਗੇ ਚਲੋ। ਅਤੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਵਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਘਰ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਘਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਾ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਪੀਜ਼ੇ ਟਾਈਪ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਮਰਚ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਟੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪੀਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨਾ ਹੱਡੂ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਊ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਘਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ।
चाचू यार जेडे ने कह रहे थे इस महीने मेरी सैलरी आई ना अबू जान ने कह हैगा ते मैं जमीन जेडी हैगी अपने ना लवानी हैगी दादा जान ने धमकी दी गई कि जेडी सारी जमीन है ना ओ मैं इजाद दे ना लवा देनी अगर तुसी ना लवाई तो ना सी कितो पैसे लिए गे 28 तारीख दे टाइम दिते से 28 तारीख दे तुसी ना करा ले तो ठीक है जे ना कराई ते मैं सारी जमीन जेडी ना लेकिन कोई ना इंशाल्लाह किधर पैसे आए ना तो जमीन जी अपने नाम पहले लवा लवेंगे उस तो बाद फिर है अबू जान जी दुकान हैगी समान वगैरह पवा दें उन्होंने किधरों पैसे आते हैं परेशानियां घर दी खत्म होने का नाम ही लै रही है खत्म होने की चार चार परेशानियां आ जांदियां नहीं हाँ जी बाकी असं अपने दोपहर के खाने की तैयारी जी शुरू करती हैगी इमान फातिमा जी है कोल बसल वगैरह कुतर रही हैगी मैं कोल जी मरचा वगैरह रगड़िया ने गिया इन्हों की बनावे रोटियां करारिया रोटियां बन गई परौंठे हूँ तुम रेस्ट करो घंटा है बाकी रोटी जो आयशा पका लगेगी उतना तक हाले काफ़ी टाइम लग गया ना इतने ज़्यादा वसल पे ने सारे मैं कुटने लगे तो विलाग जोड़ा है यह हाला जोड़ा है इतना खत्म कर लगे तुम अच्छा लगे लाजमी चैनल सबसक्राइब कर लेना वीडियो लाइक करना के दस शेयर ही करना उदा आफिस सुबह या सॉरी अज ही सैकेंड टाइम नैक्सट विलाग मुलाकात होगी खुदा हाफिज़।